हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम 3.2 कर रहे थे, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट 3.3। पहले उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज में क्या है। अब तक तो हम एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, अब हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन के बारे में, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन है, तो अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, अगर दो मैट्रिक्स गिवन है तो उसका एडिशन पॉसिबल था, ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी दो गिवन मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स थी तो उन दोनों का सम कर सकते थे और माइनस कर सकते थे, ठीक है। और एक कब पॉसिबल था, जब इन दोनों का ऑर्डर इक्वल था, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या रूल होता है, अगर कोई भी गिवन दो मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई भी दो गिवन मैट्रिक्स है, उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि उन दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसमें वही है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, ठीक है। यानी कि ऑर्डर इक्वल होगा तब तो पॉसिबल है ही, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल ना हो तब भी हम उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी गिवन टू मैट्रिक्स है तो उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, फिर देखेंगे उन दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो फिर भी मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं पहले सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर के बारे में देखते हैं, उसके बाद डिफरेंट ऑर्डर होगा दोनों का तब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में मान लेते हैं 1 2 3 4, कितने इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है। बी कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4, ये भी कितनी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब हमें देखना है कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट हम मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखते हैं, फिर देखेंगे ऑर्डर अलग अलग है तो फिर कैसे करते हैं। यहाँ पे तो दोनों का सेम ऑर्डर है, तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, जो फर्स्ट लिखा है ना उसके हर रो को पकड़ेंगे। पहले मान लेते हैं कि ए लिखा है तो इसका रो, ये है इसकी रो, तो इसकी रो की मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, जो फर्स्ट रो है पहले फर्स्ट रो लेंगे, इस जितने भी दूसरे वाली में जितने कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉलम से यहाँ पे रो, यहाँ पे कॉलम, फर्स्ट यहाँ पे क्या रो, तो यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है। लिखेंगे कहाँ पे, देखो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि इस साइड का रो लेते हैं, इस साइड की रो और इस साइड के कॉलम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो और होगी कैसे भी, जित जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, जो सेकंड है वो सेकंड से, और दोनों को एडिशन कर देंगे। यानी कि फर्स्ट रो इस साइड से फर्स्ट कॉलम, इसका हर एलिमेंट, मतलब जो जिस पोजिशन पे, मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पे 1 है तो यहाँ पे 1 से फर्स्ट पोजिशन वाले से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले से। तो देखते देखो फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू क्या लिखते हैं, 1 इंटू 1, फिर दोनों का करना है एड, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने से 1 इंटू 1, फिर लिखते हैं 2 के 2 से, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये क्या हो, फर्स्ट होगा, फर्स्ट कॉलम से पूरी मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा ए बी का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे भी सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे, जो ए बी का होगा ना वहां पे भी सेकंड कॉलम में ही लिखना, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट रो ली है तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे, अगर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो सेकंड में। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, अगर फर्स्ट रो को पकड़ के जितने भी दूसरे बारे में जितने भी कॉलम्स है सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जितने एलिमेंट इसके अंदर है ना, देखो यहाँ पे जितने एलिमेंट है इतने ही कॉलम में है तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो रही है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो यहाँ पे तो 2 ही एलिमेंट थे, तो एक एलिमेंट तो बच जाता, लेकिन हमें क्या करना कि हर एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो हमारे लिए इसके लिए पॉसिबल क्या हुआ कि जितने इसके अंदर रो में एलिमेंट है ना इतने ही इसके अंदर कॉलम में एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट की 3 के साथ, फर्स्ट की फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करते हैं फर्स्ट की सेकंड कॉलम के साथ, ये सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं 1 की 3 के साथ, फिर प्लस 2 की 4 के साथ, ठीक है। ये क्योंकि फर्स्ट रो दोनों से मल्टीप्लाई होगी जितनी भी कॉलम थी, तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ए बी की। तो अब हम पकड़ते हैं सेकंड रो, ठीक है। तो कहां पे लिखेंगे, सेकंड रो में, तो सेकंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 3 इंटू
वन, इसकी भी ऐसे होगी, इसके हर एलिमेंट से प्लस फोर इंटू टू, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट कॉलम से, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करते हैं, और एलिमेंट कहाँ पे आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे तो थ्री इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फोर, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम देखो वन इंटू वन वन, वन प्लस टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू वन थ्री प्लस टू इंटू फोर एट, थ्री इंटू वन थ्री प्लस फोर इंटू टू एट, थ्री इंटू नाइन प्लस सिक्सटीन, ठीक है। तो इसको ऐड कर देते हैं, फाइव इलेवन इलेवन ट्वेंटी फाइव, ठीक। और इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, टू क्रॉस टू। यहां से हम क्या देखते हैं, अगर कोई भी गिवन दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर इक्वल है, ठीक है, तो जो गिवन मैट्रिक्स होगी ए बी, दोनों की प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स निकलेगी ए बी, या फिर यहां से हम बी ए बी निकाल सकते हैं, ए बी का ऑर्डर भी वही आएगा जो दोनों का सेम होगा। अगर दोनों का सेम ऑर्डर है तो ए बी का भी वही ऑर्डर आएगा जो दोनों का सेम था, ठीक है। यहाँ ये थी दोनों के, अगर दोनों सेम हो, ठीक, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ से हम बी ए बी निकाल सकते हैं। बी ए बी कैसे करेंगे, बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि अगर दोनों का ऑर्डर अलग है तो तब क्या करेंगे, ये तो दोनों का सेम था। अब हम देखते हैं अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं थ्री इंटू टू, यानी कि थ्री रोज होगी, ठीक है, इसका मतलब ये थ्री रोज और टू कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे ए रख लेते हैं, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यानी कि टू इंटू टू, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी मैट्रिक्स ये मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, ए बी, ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी में क्या करेंगे, क्या किया था, फर्स्ट रो को पकड़ते हैं पहले, जितने भी इसके अंदर रोज है पहले फर्स्ट ले देंगे, फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट ली, फिर क्या करना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो वन इंटू वन वन प्लस टू इंटू टू इंटू टू फोर, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हुआ, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो पे दोनों फर्स्ट कॉलम से तो हो चुका, अब हम कौन से करना है, सेकंड से, तो क्या फर्स्ट की सेकंड कॉलम से करते हैं, वन इंटू थ्री थ्री प्लस टू इंटू फोर एट, ठीक है। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करते हैं सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम क्योंकि फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुकी दोनों, सेकंड रो तो कंप्लीट हो चुकी दोनों कॉलम से, अब हमारे पास आती है सेकंड रो, सेकंड रो का क्या करना है, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से और सेकंड से भी, ठीक है, जितने कॉलम्स है सबके अंदर करनी है। तो सेकंड कॉलम को करते हैं थ्री इंटू वन थ्री प्लस फोर इंटू टू एट, ठीक है, तो थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस सिक्स के फोर। अब हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि सेकंड रो के जितने कॉलम थे सबसे मल्टीप्लाई होगी। अब हमें करनी है थर्ड से, ठीक है, फर्स्ट से हो चुकी, सेकंड से होगी, अब हमें करनी है थर्ड रो से, ठीक है। थर्ड रो से करनी है तो थर्ड रो के अंदर ही लिखेंगे, तो क्या फाइव इंटू, पहले क्या करेंगे रो की कॉलम के साथ, फाइव इंटू वन फाइव प्लस ट्वेल्व सिक्स इंटू टू, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करते हैं सेकंड कॉलम से, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर, ठीक है, फोर इंटू, ठीक है। तो हमारे पास क्या आई है मैट्रिक्स, फाइव इलेवन इलेवन ट्वेंटी फाइव सेवनटीन नाइन और थर्टी, ठीक है। अब देखो जो मैट्रिक्स ए थी उसका ऑर्डर था थ्री इंटू टू, अगर दोनों का सेम सेम था तो हमारे पास जो ए बी की मैट्रिक्स है उन दोनों का ऑर्डर भी सेम ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आया, अगर इसका ऑर्डर तो थ्री इंटू टू है और इसका ऑर्डर टू इंटू टू है, तो हमारे पास मैट्रिक्स भी कितनी ऑर्डर की है, थ्री इंटू टू ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जितने फर्स्ट में रो थे इतने ही इसमें रो आए, क्योंकि इसके अंदर तो दो थे और इसके अंदर थ्री थे, तो थ्री रोज आए। और जो कॉलम आते हैं ये सेकंड वाले के कॉलम आते हैं, ठीक है, ये मैं सोचना कि ये वाले आए हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो इसके फर्स्ट वाले के तो रोज है हमारे पास, और जो टू है ये सेकंड वाले के कॉलम, यानी कि अगर हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आएगा। देखो अगर ए बी, ठीक है, ए और बी, ए ऑर्डर, ए कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर पी क्रॉस क्यू की, बी कोई भी मैट्रिक्स है क्यू क्रॉस आर की, तो जो दोनों के मल्टीप्लाई करके आएगा ए बी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट वाले के
रोज और सेकंड वाले के कॉलम्स, ठीक है। और अब देखो मैट्रिक्स पॉसिबल कब होती है कि हम हर बार किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एडिशन के लिए सेम ऑर्डर था, इसमें क्या कहता है कि अगर अलग अलग ऑर्डर की भी हो सकती है, लेकिन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट वाले के कॉलम यानी कि फर्स्ट वाले का सेकंड वाला कॉलम्स और सेकंड वाले के रो इक्वल हो जाए, तब हम मैट्रिक्स की कहते हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि फर्स्ट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या हो, रोज कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, जो फर्स्ट पे लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल हो किसके, रोज, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे लिखते हैं। यानी कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट रो इज इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर फर्स्ट वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा निकल कर, अब हम ये देखते हैं ए बी का ऑर्डर क्या आएगा। ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, जो इक्वल है ना, जो इक्वल है उनको तो छोड़ दो, और जो बाकी लिखे वो उन दोनों का ऑर्डर है, जो फर्स्ट के रोज आ जाएंगे और सेकंड के कॉलम, ठीक है। अब हम यहीं तो देखो, यहीं से हमारे पास जो ए बी की मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करी थी क्या था, जो थ्री क्या थे, फर्स्ट वाले के रोज थे, तो फर्स्ट वाले के फर्स्ट आए, क्योंकि टू इन टू, टू और टू इक्वल थे, तो हम क्या करते हैं इस टू और इस टू को छोड़ देते हैं, तो यानी कि ए बी की जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, थ्री इंटू टू, तो हमारे पास भी क्या है, थ्री इंटू टू, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स थी, हमने निकाला ए बी, ए बी का ऑर्डर है थ्री इंटू टू। अब हम ये देखते हैं यहाँ से क्या बी ए बी पॉसिबल है या नहीं है, या तो ए बी तो निकल चुका, अब देखते हैं अगर बी ए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि ए और बी इसी ऑर्डर में होंगे, ए और बी बी ऑर्डर में भी हो सकते हैं, तो अब हम यहाँ से निकालते हैं बी ए, ठीक है, थ्री इंटू टू और ये वन इंटू टू और यहाँ पे फाइव और सिक्स, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं बी इंटू ए, अब तो हमने क्या निकाला था ए इंटू बी, अब हम निकालते हैं बी इंटू ए। बी देखो बी का ऑर्डर क्या है, टू इंटू टू, और ए का ऑर्डर कितना है, थ्री इंटू टू। यहीं से देखो बी ए पॉसिबल है या नहीं, कोई भी दो मैट्रिक्स थे उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल थी, जब पहले वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले के रो इक्वल हो। यहाँ पे तो टू नॉट इक्वल टू थ्री है, यानी कि फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रो इक्वल ही नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इन दोनों की मैट्रिक्स ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो बी है मैट्रिक्स वो डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, जो बी आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइन होती है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तो हमारे पास तो दोनों इक्वल ही है। लेकिन ए भी निकल गया था और ए बी का ऑर्डर कितना है, थ्री इंटू टू, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स की ए, कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर ए और बी मैट्रिक्स पॉसिबल है, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं है कि बी ए बी पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कहेंगे, ए बी जरूरी नहीं है बी ए के इक्वल, ठीक है, ये हम प्रूफ भी करेंगे एग्जांपल लेके। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है कि अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है, अगर ऑर्डर इक्वल है तो ए बी पॉसिबल हो जाएगा बी ए बी, क्योंकि टू इंटू टू और टू इंटू टू किसी भी तरफ से देख लो सारे इक्वल है। लेकिन अगर इन दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि अगर ए बी डिफाइन हो तो बी ए बी डिफाइन होगा, ठीक है, ये सबसे मेन था इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब ये देखते हैं कि मैट्रिक्स कब प्लस के ऊपर कैसे खुलती है। अगर कोई भी गिवन दो मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ए बी सी थ्री मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर ये प्लस के ऊपर खुलते हैं, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है इसके ऊपर कैसे ओपन होगी, ए बी की प्लस ए सी, यानी कि अगर मल्टीप्लाई है किसी मैट्रिक्स की बी प्लस सी की, तो ये या तो ये करो या फिर ये करो, दोनों इक्वल आएंगे ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ए बी नॉट इक्वल टू बी है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे कि टू क्रॉस टू में, टू क्रॉस टू में अगर वो इक्वल है, मतलब निकलेगा ए बी इक्वल टू बी निकलेगा, तो भी जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, यानी कि मैट्रिक्स नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूट करे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी मैट्रिक्स निकाल ले, क्या वो हमेशा बी ए के इक्वल होगी, ये इसने ये नहीं कहा कि कभी भी नहीं होगी, इसने कहा नीड नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि कम्यूट करे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है या फिर बी ए नॉट इक्वल टू बी ए ये भी हो सकता है। यानी कि हमेशा जरूरी नहीं कि यही आएगा कि ए बी इक्वल टू बी ए ही आएगा, ये भी हो सकता है कि ए बी बी ए के इक्वल ना हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि मैट्रिक्स नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। जरूरी नहीं है कि वो कम्यूट करे, मतलब इन दोनों का ऑर्डर चेंज करे तो भी इक्वल ही आएगा। किसी किसी केस में इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन हर केस में इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लेते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है 1 0 0 2, ठीक है या 2 क्रॉस 2 की है। बी कोई भी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें बी इक्वल टू टू बी ए बी इक्वल टू बी ए निकालना है, या फिर बी ये निकाल लो या ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब दोनों डिफाइन होंगे। अगर दोनों डिफाइंड होंगे तो दोनों का सेम ऑर्डर ले लेते हैं। मान लेते हैं 1 2 0 0, 2 × 2 की है, 2 × 2 की है मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो हम निकालते हैं ए बी, ए बी में क्या निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, 1 × 1 1, 2 × 0 0, ये दोनों जीरो है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। ठीक है, यहाँ पे 1 × 1 0 0 + 0 0, यहाँ से निकाल लेंगे 0 × 1 0, 2 × 4 0, 2 × 2। ठीक है, अब हम देखते हैं बी ए, बी ए में पहले बी लिख लेते हैं, फिर ए 1 0 0 2, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं 2 × 1 1, 2 × 0 2 × 0 0, 2 × 1 2, और यहाँ से इसकी करेंगे 0 और 0। अब यहाँ से देखो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, और जबकि मैट्रिक्स पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल थी। यानी कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो तो भी जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, ये इसका काउंटर एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं कि किस केस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं 1 0 0 1 और ए बी ए ले लिया, हमारे पास अब यहाँ पे 2 था ना, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इक्वल टू देखो क्या आएगा, 2 × 1 2, 0 की 0, ये दोनों 0 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, इसकी 0 करेंगे तो भी 0, 0 × 1 0, 2 × 1 2, और आगे 0। ठीक है, अब हम बी ए निकालते हैं, 1 2 0 0 1 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, बाकी जगह 0 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0, और 2 × 1 2, और 2 0 0, यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर की थी तो ये दोनों इक्वल हो गए। यानी कि यहाँ से क्या कहेंगे हम कि अगर जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हर केस में होगा, तो किसी कोई ना कोई हमारे पास अगर उसमें से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कंसिडर कर ले तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, ये था कि मैट्रिक्स है वो कब कम्यूट करती और कब कम्यूट नहीं करती। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज 3.3 करते हैं, अगर आगे कोई कंसेप्ट आएगा तो हम साथ में कर लेंगे, इतना इसका बेसिक था। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एग्जाम्पल है, क्या कहता है, अगर 2 गिवन मैट्रिक्स हैं दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब ये देखो मैट्रिक्स पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट कितना है, 2 × 3, जिसके अंदर 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसके अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, यानी कि कॉलम्स और सेकंड वाले के रो इक्वल है, तो यानी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है। अब ये देखो कितने ऑर्डर की मिलेगी, क्योंकि जो इक्वल है उनको छोड़ दो, जो बाकी के है फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम्स, 2 × 2 ऑर्डर की आएगी। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट के फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 1 2 + 3 × 3 9, और 4 − 10, ठीक है 5 × 4, तो यहाँ से 2 × 2 − 4 × 3 = 12 + 6 = 24। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड रो, ये तो फर्स्ट रो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से भी सेकंड कॉलम से भी होगी, तो हम करते हैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, 2 × 1 − 1, 2 × 3 = 6, −- प्लस और 25। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका, तो हम सेकंड कॉलम से करते हैं 2 × −1 − 2, और −8 और −30, क्योंकि −1 × 2 से करेंगे −2, 2 × 4 − 8 और −5 × −30। ठीक है, तो क्या आया 11 और −10,
इलेवन और माइनस के नाइन, प्लस के तो प्लस के इलेवन और माइनस के ठीक है नाइन, यहाँ से ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट माइनस सिक्सटीन माइनस के ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा फाइव और थर्टी ठीक है, ये टेन और माइनस के फोर्टी, यानी कि टू क्रॉस टू के, यानी कि ये भी क्या है हमारे पास। अब यहाँ से देखो उसने सिर्फ ए भी पूछा था, हम देखते हैं कि बी ए भी पॉसिबल है या नहीं। बी ए देखो, बी ए में क्या होगा, बी का ऑर्डर कितना है थ्री इंटू टू, ए का ऑर्डर कितना है टू इंटू थ्री, यानी कि अगर हम बी ए निकाल लें तो कितना ऑर्डर बचेगा हमारे पास, ये नंबर ऑफ रो कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है तो किसके इक्वल आएगा थ्री इंटू थ्री, अगर हमें बी ए निकालना तो उसका ऑर्डर कितना होगा थ्री क्रॉस थ्री, लेकिन ए बी का ऑर्डर टू क्रॉस टू आया तो यहाँ से भी कह सकते हैं हम ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आएगा ठीक है, ये कंप्यूटर करके देख लेना ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है ये वाला ठीक है। ए गिवन है, बी गिवन है, ए है वन टू माइनस थ्री माइनस के टू वन सेवन, और बी देखते हैं टू थ्री वन, ए बी टू थ्री वन फाइव फोर टू वन सिक्स थ्री, इसका ऑर्डर कितना है टू इंटू थ्री, इसका ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री ठीक है। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड के नंबर ऑफ रोज के, यानी कि मैट्रिक्स पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, इक्वल को छोड़ देते हैं ठीक है, तो यानी कि टू इंटू थ्री क्या बचा, क्योंकि ये और ये तो इक्वल थे, तो जो बचा क्या था टू इंटू थ्री ऑर्डर की, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा टू इंटू थ्री, यानी कि उसके अंदर टू रोज और थ्री कॉलम्स आएंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वन की टू के साथ टू, फाइव की टू के साथ टेन, थ्री की ये माइनस, ये वन था माइनस थ्री ठीक है। फर्स्ट की फर्स्ट कॉलम से हो चुकी है, हम सेकंड कॉलम से करते हैं फर्स्ट रो की ठीक है, तो कहेगा वन इंटू थ्री थ्री ठीक है, टू इंटू फोर एट और माइनस के एटीन ठीक है, तो थ्री आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टू क्रॉस ठीक है। तो अब हम सेकंड रो कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड कॉलम, अब थर्ड कॉलम से करते हैं, क्योंकि जितने इसके जितने एक रो को पकड़ेंगे और जितने उसके अंदर कॉलम्स होंगे उतने से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके अंदर उतने ही कॉलम्स आ जाएंगे, तो वन इंटू वन वन, टू इंटू फोर टू इंटू टू फोर, माइनस के थ्री इंटू थ्री नाइन ठीक है। अब हम सेकंड रो करते हैं, माइनस टू की टू से माइनस के फोर, वन की फाइव से फाइव और सेवन की वन से सेवन, यहाँ से करते हैं माइनस के सिक्स प्लस के फोर प्लस के सेवन की और सिक्स की ठीक है, फोर्टी टू, सेवन सिक्स या फोर्टी टू ठीक है, तो यहाँ से करेंगे वन की माइनस टू से और टू की टू से प्लस थ्री की सेवन से करेंगे ट्वेंटी वन ठीक है। अब ये देखो टू क्रॉस थ्री की आई है ना, ये दो रोजेस के अंदर थ्री कॉलम्स है, तो यहाँ से ट्वेल्व थ्री माइनस के नाइन ठीक है, ये एट थ्री इलेवन माइनस के सेवन ठीक है, ये फाइव और माइनस के फोर, ये बचा ट्वेल्व और माइनस के फोर एट, यहाँ से माइनस के टू और फोर्टी ठीक है, फोर्टी सिक्स है फोर फोर्टी एट सॉरी, ये कितना बचा फोर्टी सिक्स और माइनस फोर्टी फोर्टी आएगा ठीक है, माइनस यहाँ से टू कैंसिल ट्वेंटी वन, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो टू क्रॉस थ्री ऑर्डर की थी ठीक है। ये तो फर्स्ट के दो पार्ट और रहते हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है, तब तक आप ये देखिए ना बेसिक और एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।